नमस्कार, एबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दो दिन से लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में उसी के घर के पास रोड किनारे सब मिलने से मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हाथरस की शासनी कोतवाली क्षेत्र में इगलास रोड पर सड़क किनारे दो दिन से लापता 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही हाथरस पुलिस अधीक्षक विकास वैद के साथ कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव मैं फोर्स एवं डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और सबको कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस एवं डॉग स्क्वाड टीम मामले की जांच कर रही है। हाथरस से ब्यूरो रिपोर्ट। डिलीट है वो। प्लान दे यार, ये क्या घटना हुई है? कौन है ये आपके? अब भाई ये बड़ा क्या घटना हुई? ये परसों से गए हैं, किसी ने फ़ोन करके बुलाया है रास्ते। अच्छा, और हम लोग गए थे बात लेके। तो कहाँ मिला ये? यहीं पर। कौन सी जगह? ये घर से कुछ दूर है। पानी की टंकी? हाँ, एक लाख रोड पानी की टंकी। सड़क किनारे? सड़क के किनारे पड़ा मिला है। हाँ। कितनी उम्र है? उम्र होगी 30। नाम क्या है? योगेंद्र। आपका? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। कौन सी जगह? इगलास रोड पानी। और उनका भाई, बड़ा भाई जो कि कांस्टेबल है अलीगढ़ पीएसी में, वो भी मौजूद है। अभी अस्पष्ट कारण और अस्पष्ट चीज़ें नहीं हो पाई हैं। इन्होंने तहरीर दी है तो इसमें अभी हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम आ रही है, सर्विलांस वाले भी आ रहे हैं। तब हम लोग हर चीज़ों पर गौर करेंगे। सर्विलांस की मदद से, फॉरेंसिक की मदद से इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है।